चले गए सो लेट स्टार्ट अपना काफी सारे सेक्टर्स हो चुके हैं आज हॉस्पिटल सेक्टर तो कवर अप करेंगे करेंगे अगर कुछ और भी हो सका वी शैल बी स्टार्टिंग विद दैट आल्सो मेरे को एक चीज जरा बोल दो फॉर हॉस्पिटल सेक्टर बाय डिफॉल्ट तुम्हारा यूनिट क्या होता है बेड डेज होता है जिसको आईसीए पेशेंट नाइट्स भी वो बोल देता है लेकिन हम लोग वो वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे मेरे को अजीब लगता है वो बोलने के लिए तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पढ़ेंगे प्लीज मल्टीनेशनल कंपनी रंस अ पब्लिक मेडिकल हेल्थ सेंटर ठीक है फॉर दिस पर्पज इट हैज हाइड अ बिल्डिंग एट द रेंट ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ ठीक है विथ फाइव परसेंट ऑफ टोटल तो यहां पे ना रेंट का दो कंपोनेंट्स है रेंट का दो कॉम्पोनेट क्या है एक आप बिल्डिंग का रेंट दो दैट इज टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ और यहां पे रेंट का एक वेरिएबल वाला पार्ट भी है जितना भी कलेक्शन होगा उसका फाइव परसेंट मोर ठीक है विल बी इन दिस केस रेंट तो जितना भी कलेक्शन अगर सौ सौ रुपए का पेशेंट लोगों से कलेक्शन होता है तो इन दिस केस फाइव परसेंट उसका मतलब पांच रुपया विल बी एडिशनल रेंट तो रेंट के यहां पे दो पार्ट है जैसे हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किया था लेकिन नो द सैलरी ऑफ द कंडक्टर एंड ड्राइवर कुछ फिक्स्ड होता है कुछ वेरिएबल ओके okay, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट आगे Health center has three types of wards for its patients namely, general ward, cottage ward, and deluxe ward. State the rent to be charged to each bed day for different types of ward on the basis of following information. Take it now, the number of beds for each type.

extra beds were hired at rupees 20 per bed the total hiring charges for the extra beds incurred for the whole year is rupees 12000 the healthcare engaged a heart specialist from outside and on an average fees paid to him was 15000 rupees per trip he makes 3 trips in the whole year chalega the other expenses for the year were as follows salary of uh, supervisors nurses and ward boys उसके बाद मेंटेनेंस सैलरी ऑफ डॉक्टर्स फूड सप्लाई टू पेशेंट्स लॉन्ड्री चार्जेस फिर मेडिसिन सप्लाइड कॉस्ट ऑफ एक्सरे ओके एंड ऑक्सीजन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ठीक है प्रोवाइड ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन टोटल टेकिंग्स टोटल टेकिंग्स मतलब कलेक्शन टेकिंगेक्शन दर इम्पोज एट परसेंट का जीएसटी ऑन रेंट रिसीव्ड एक मिनट जीएसटी तो एवरीबडी नोज ओके अभी तो बहुत साल हो गए दैट जीएसटी इज देयर सो जो भी हम लोगों को रेंट मिलेगा प्लीज दिस रेंट इज नॉट ये वाला रेंट ये वाला जो रेंट है ना ये वाला रेंट तो हम लोग देते हैं ठीक है तो ये कौन सा रेंट है जो अपने को मिलता है मेरे को बोलो अपने को रेंट कौन से लोगों से मिलेगा पेशेंट पेशेंट से ना ओके okay, जो वो लोग बेड डे के लिए अपने को जो पे करेंगे ओके okay, तो जो वो लोग अपने को बेड्स वगैरह के लिए वो पे करेंगे वही चीज है तो जितना भी तुम लोग उनको चार्ज करोगे आठ परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना ओके फॉर जीएसटी ठीक है थ्री सिक्सटी डेज मे बी टेकन इन अयर तो चलो ठीक है अपने को करने का क्या है देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टेट द रेंट टू बी चार्ज टू ईच बेड डे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक मिनट उस दिन हम लोगों ने होटल सेक्टर का एक लौता क्वेश्चन किया था जब होटल सेक्टर का एक क्वेश्चन किया था तब सबसे पहला चीज हम लोगों ने रूम डेज ही कंप्यूट किया था तो अभी हम लोग सबसे पहला चीज जो कंप्यूट करने वाले हैं दैट विल बी नथिंग बट बेड डेज ओनली तो हम लोग सबसे पहले बेड डेज निकालने का ट्राई करते हैं ठीक है उसके बाद की बात उसके बाद कर लेंगे लेकिन बेड डेज लेट स्टार्ट टू बी कंप्यूटिंग फर्स्ट ओवर हियर ठीक है तुम लोग क्या करो बेड डेज कंप्यूट करने के लिए ना पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर थ्री अच्छे अच्छे तरीके से ज़रा पढ़ो एक बार पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर थ्री अच्छे तरीके से पढ़ना तो जनरल वार्ड के अपने पास 100 बेड्स हैं कॉटेज वार्ड के 50 हैं डीलेक्स वार्ड के अपने पास 30 हैं ठीक है लास्ट लाइन पे लिखा हुआ सिक्सटी डेज इन ठीक है और एक और चीज उसका ऑक्यूपेंसी यहां पर आ चुका है लेकिन ना इस क्वेश्चन के ना एक और लाइन है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है वो ये वाला लाइन है बट इन जनरल वार्ड देयर वर ओकेजन वेन बेड्स वर फुल तो कभी कभी ऐसा हुआ वेन बेड्स वर फुल ठीक है एक्स्ट्रा बेड वर हायर एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पर बेड या इंस्टीट्यूट से गलती हो गई या दे वॉन्टेड टू मेक यू ऑल थिंक ओनली ओके ये जो लिखा हुआ ना एक्स्ट्रा बेड्स पर बेड इट मी ट्वेंटी पर बेड आगे कोई कंटिन्यू करेगा पर डे पर डे शायद चीज है ओके okay? क्योंकि वी विल ओनली हायर बेड वेन एक्स्ट्रा पेशेंस विल बी कमिंग ना हम लोग पूरे साल के लिए थोड़ी हायर करेंगे यारो वी विल हायर वेन एवर बी एक्स्ट्रा पेशेंट तो अभी पता नहीं वो आईसीए की गलती है या फिर दे ऑल वांटेड यू ऑल टू थिंक दैट इट इज कॉमन सेंस ओनली लेकिन दिस इज ट्वेंटी पर बेड पर डे और ऐसा ट्वेंटी पर बेड पर डे पे करते 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 हम लोगों ने पूरे साल के लिए कितना हायरिंग चार्जेस पे किया ट्वेल्व थाउजेंड ये ट्वेल्व थाउजेंड अपना कॉस्ट है लेकिन याद रखना ये बेड्स हम लोग हायर करेंगे और इसको हम लोग रेंट के ऊपर भी देंगे टू द पेशेंट अपने को अल्टीमेटली तो कलेक्शन भी तो आएगा लेट्स कंप्यूट नंबर ऑफ बेड डेज फर्स्ट उसके बाद की कहानी उसके बाद करेंगे और होटल वाला क्वेश्चन सबको याद है उसके हिसाब से तुम्हारा ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना ये हो जाएगा ऑलमोस्ट ओके लिखिए सर आप क्लीज राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बेडे सुनो अनलाइक होटल्स हॉस्पिटल्स का कोई सीजन नहीं होता तो यहां पर बाइफर्केशन बिलोनी बी देअर बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ वार्ड इट इज देयर ओके तो यहां पर पहले लिखो जनरल वार्ड एक लाइन छोड़ना डिलेक्स वार्ड अभी लाइन नहीं छोड़ो और लास्ट वाला एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सेकेंड वन कॉटेज वार्ड सॉरी 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 कॉटेज वार्ड अच्छा जनरल वार्ड जनरल वार्ड के अंदर कितने बेड्स हैं बेटा हंड्रेड अच्छा नंबर ऑफ रूम डेज कैसे आया था नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी अभी नंबर ऑफ बेड्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी सो हंड्रेड बेड्स आई थिंक विल बी थ्री सिक्सटी डेज इन टू मेरे को जरा बोलो जनरल वार्ड का ऑक्यूपेंसी कितना है हंड्रेड परसेंट सो नो ये आंसर ना इनर कॉलम में लिखना थर्टी सिक्स थाउजेंड बाकी दोनों आउटर कॉलम में लिखेंगे क्यों तुमको पता चल जाएगा दिस इज फिफ्टी थर्टी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी इंटू एट्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ये आउटर कॉलम में लिखना दोनों प्लीज फोर्टीन फोर हंड्रेड सिक्स फोर एट सिक्स फोर्टीन फोर हंड्रेड सिक्स फोर एट सिक्स सबका टोटल नहीं करेंगे तो भी वो चली जाएगा लेकिन सुनो तो तुम्हारे हिसाब से मैंने जनरल वार्ड का इनर कॉलम के अंदर क्यों लिखा क्योंकि तो इसके अलावा भी तो, भी तो एक्स्ट्रा बेड डेज भी तो होएगा ना यार तो यहां पे लिख के रखो एक्स्ट्रा अब ये जो एक्स्ट्रा है ना उन लोगों ने ये नहीं अपने को बताया और कितने बेड्स की जरूरत पड़ी उन लोगों ने वो सब कुछ अपने को नहीं बताया लेकिन उसके बदले में उन लोगों ने अपने को दो और नंबर्स बता दिए कौन से दो बारह हजार रुपया वॉज द टोटल एक्स्ट्रा हायरिंग चार्जेस दैट आई पेड एंड आई मस्ट हैव हायर द बेड एट वॉट रेट या ट्वेंटी पर बेड पर डे तो सिक्स हंड्रेड बेड डेज एक्स्ट्रा हुआ रहेगा तो ये ऐसे कंप्यूट हो गया थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड अच्छा को एक ऑब्वियस चीज जरा बताओ लेट्स मेक ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर व्हाट ड्यूरेशन ईयर वन ईयर उन लोगों ने वैसे भी लिख के दिया है बेटा टेक थ्री हंड्रेड एंड सिक्स डेज इन अयर तो इन एनी पर्टिकुलर केस लेट्स स्टार्ट टू बी डूइंग द थिंग्स फॉर वन ईयर तो यहां पे लिख के रखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर टाइटल दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर तो जो था सर, उसमें, और वो तो ऑक्यूपेंसी तो 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 नहीं नहीं वो, वो बारह हजार के अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ है इस काम ना आप लोगों ने बारह हजार रूपए एक्स्ट्रा पे किया एंड पे देम एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पर बेड पर डे तो ये जो छे सो आया रहेगा दिस ऑटोमैटिकली बस बी मल्टीपिकेशन ऑफ दो पर्टिकुलर थ्री थिंग्स दो ये बेड डेज ही है ना मतलब तेरा ठीक है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर इधर लिखो प्लीज अच्छा अभी सब लोग पांच मिनट के लिए होल्ड करेंगे होटल वाला क्वेश्चन सबको याद है हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ही किया है ठीक है आराम से सुनना प्लीज जल्दी करने का ट्राई मत करना एंड के अंदर गलत हो ही जाएगा ठीक है सुनो मत लिखो have patience, okay, end के के अंदर अंदर तुम्हारा जल्दी ही complete होगा. If you all will listen now. सबसे पहले rent, ये जो first case के है, है? ठीक तुम लोग एक साल के लिए कर रहे हो तो इन टू ट्वेल्व करके यहाँ पे अमाउंट लिख देना लेकिन एक और कॉम्पोनेट भी आएगा लेकिन वो जो है ना दैट इज फाइव परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग्स तुमको समझा दैट पर्टिकुलर रेंट आगे बोलो वी विल पुट इन तो वेरिएबल के अंदर घुसा देंगे ठीक है? अच्छा सुनो इसके बाद ना, प्रोसीड फर्दर अभी ठीक है? Be तो अभी क्या है हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन के अंदर तो इनफैक्ट ना इंस्टीट्यूट कैटेगराइज भी नहीं करता इंटू फिक्स एंड वेरिएबल। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर वो बोल दिया था इट इज नॉट कंपल्सरी बट इफ विल तो अभी दोस्त नॉट डन लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कब इंस्टीट्यूट का मन होता है कब नहीं मन होता है सो विल डू इट दैट्स ओके अगर कभी नहीं कर सको इट बिकम्स टू टेक्निकल दैट्स फाइन ओके तो सुनो ज्यादातर एक्सपेंसेस तो यहीं पर है ओके okay. तो वेरिएबल वो वाले खर्चे होंगे जो शायद वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करते होंगे तो वर्कलोड मतलब पेशेंट्स या फिर डेज के ऊपर ठीक है तो आई थिंक जो सैलरी होता है वो फिक्स्ड होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस इफ यू ऑल वॉन्ट यू कैन मेक अ थर्ड हेड ऑल्सो ऑफ सेमी वेरिएबल वैसा भी कर ही सकते हो दैट्स नॉट ऑफ प्रॉब्लम एक मेरे को इतना तो वो बोलो ना चाहे फिक्स के अंदर डालो चाहे वेरिएबल के अंदर डालो चाहे सेमी वेरिएबल तुमको इसलिए आता है आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम ओनि यस वो टोटल कॉस्ट के अंदर yes, तो आ ही जाएगा ना तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल यू ऑल वॉन्ट टू बी पुटिंग तुमको किधर डालने का है फिक्स वेरिएबल कि एक नया हेड बनाऊ सेमी वेरिएबल तो कुछ भी चलेगा तो सेमी वेरिएबल चलो ठीक है अभी किसने बोला तो सब लोग मानो अभी ठीक है आगे सैलरी ऑफ डॉक्टर्स विल बी फिक्स्ड आई थिंक फूड सप्लाई टू पेशेंट शुड बी वेरिएबल ओके क्योंकि जितने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो उतना ज्यादा वो वाला चीज़ होएगा लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड लाइन जो बेड चीज वगैरह वॉश वगैरह वो करने के चार्जेस आई थिंक ये भी वेरिएबली होना चाहिए मेडिकन मेडिसन सप्लाइड ये भी वेरिएबली होना चाहिए कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ये भी वेरिएबल होना चाहिए डिपेंड नंबर ऑफ पेशेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वो शायद होना चाहिए ठीक है ये वाला चीज ना कभी भी जीएसटी वगैरह आए ना अभी मत करना पूरा का पूरा सम खत्म कर लो चार्जेस वगैरह सब निकाल लो एक बार सब निकाल लोगे उसके बाद जस्ट एड एट परसेंट टू अराइव फाइनल फिगर ठीक है वो चीज के बारे में अभी मैं बात ही नहीं करूंगा ठीक है अच्छा इससे पहले ना दो और कॉस्ट है The the health center a heart specialist from outside, and on an average, fee paid to him was per trip. He makes three trips in the year. Honestly, अभी ना, ऐसे खर्चों के बारे में अपने को जिंदगी में नहीं पता चलेगा यार, ये हैं ऐसा हो सकता है जितने भी पेशेंट्स हों वो थ्री ट्रिप्स के अंदर उनको निपटा देता है that could be one thing. वरना ऐसे भी हो सकता है कि, तो तुम लोग आगे बोलो

तुम लोग क्या करोगे अब मेरी बात ध्यान से जरा सुनना इसके बाद जो है जस्ट बी केयरफुल मैंने फिक्स्ड के अंदर एक ये डाला फिर उसके बाद यहां पे एक सैलरी वगैरह है और एक और वो सैलरी ऑफ डॉक्टर्स वगैरह है ठीक है ये हो गया ये हो गया फिर उसके बाद एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है ठीक है एक बार वो सारा का सारा काम हो जाएगा दिस विल बी रोमन नंबर वन फिर उसके बाद सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के ना फर्स्ट पेज पे वो हायरिंग चार्जेस था सेकेंड पेज पे वो अपना वो हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह था फिर उसके बाद थर्ड केस के अंदर यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर तो यहां पे चार खर्चे थे थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है लेकिन सुनो जरा प्लीज यहां पे एक चीज भूल मत जाना दिस विल बी रेंट ओवर हियर ओके एंड रेंट विल बी फाइव परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग्स ठीक है बराबर से ऑब्जर्व करते रहो कॉपी करने का घाई मत क्या करो प्लीज ठीक है ये वाला तुम्हारा काम हो जाएगा दिस विल बी रोमन नंबर टू यहां पे आ जाएगा थर्ड सेमी वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अच्छा सुनो तुमको एक चीज चीश समझ में आता है कि तुम लोग को ना ये सेवेंथ वाले का अमाउंट नहीं मिलेगा तुमको समझ में आता है क्योंकि इट इज सपोज टू बी फाइव परसेंट ऑफ कलेक्शन तो तुम लोग को शायद एक क्वेश्चन याद होगा जहां पे ना सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर था हम लोग उनको रेंट भी पे करते थे एंड एंड के ना आप लोगों ने कुछ इक्वेशन बनाया था था और फिर आंसर निकाला ओके okay? तो रिपेयर मेंटेनेंस जो cost, ठीक है? ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दिस पर्टिकुलर थिंग टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट विल बी रोमा नंबर रोमा नंबर टू प्लस रोमा नंबर थ्री एक बार ये आ जाएगा उसके बाद एड प्रॉफिट दिस विल स्टार्ट टू गिव यू रेवेन्यू मैं रेवेन्यू को वही वाला वर्ड यूज करता हूं टोटल टेकिंग्स ठीक है वट एवर आई एम अबाउट टू बी सी देखो आ, तुम लोग को ना ये वाला टोटल कॉस्ट नहीं मिलने वाला है तुमको समझा क्यों yes, क्योंकि अपने पास रेंट नहीं है ठीक है तो इसके बाद क्या करने बी एक्स ठीक है तो टोटल टेकिंग्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ठीक है तो टोटल टेकिंग्स विल बी एक्स फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास होएगा इधर सेमी वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारे पास छह फिगर्स होएगा प्लस सबको ये वाला लाइन समझ में आ जाएगा रेंट विल बी पॉइंट जीरो फाइव एक्स ठीक है फिर उसके बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट है ना इधर प्रोवाइड प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन टोटल टेकिंग्स तो तो तुम्हारा जो है तो बोल दो आगे विल बी ठीक है सॉल्व करके एक्स का आंसर लेके आना उसके बाद काफी चीजें पेंडिंग रहेंगी लेकिन वो वाली चीजें इकट्ठी करते हैं ठीक है तो अभी के लिए आप लोग यही वाला काम करो उसके बाद की कहानी उसके बाद कर लेंगे ठीक है तुम लोग ये वाला चीज स्टार्ट करो तुमको मेरे ख्याल से इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आई एम शोइंग क्वेश्चन ओके दैट यू ऑल विल रिक्वायर एक मिनट में टेन थाउजेंड प्लस पॉइंट फाइव है हाँ तो रेंट जो फिक्स है बेटा तो वो तो डाला ना ऊपर फिक्स वाले पार्ट के अंदर ओके ओके। हाँ ठीक है आप लोग एक रेंट डाल दो फिर आपको फर्स्ट थ्री एडजस्टमेंट्स या फोर फर्स्ट टू एडजस्टमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है तो देन द रिमेनिंग क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एक रेंट टेन थाउजेंड रुपीज इन टू ट्वेल्व मेरे को तुम लोग रेवेन्यू तक पहुंचो छ मिनट दे रहा हूं तुमको बेटा रेवेन्यू जो आएगा ना थर्टी वन लाख थर्टी टू थाउजेंड आएगा थर्टी वन लाख थर्टी टू थाउजेंड इनफैक्ट ज्यादा कुछ करने का भी नहीं था इसके अंदर तो तुम्हारा कैलसी का कैलकुलेशन थोड़ा सा पुअर होएगा तभी गलत हो सकता है क्योंकि कितने लोगों ने बाई गॉड में गलत आंसर ही दिया टोटल टेकिंग के बाद डायरेक्ट लेट रेवेन्यू भी एक ना सर के उसके बाद हाँ, हाँ नहीं वही बस डायरेक्टली डायरेक्टली बेटा एक्स का फिगर थर्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड आता है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फोर लाख ट्वेंटी फाइव ऑफ योर माइक्स प्लीज थर्टीन लाख फिफ्टी उसके बाद सिक्स थ्री थाउजेंड इसका टोटल बेटा ये कितना आता है रोमो नंबर वन का थाउजेंड नाइनटीन फिफ्टी एट थाउजेंड उसके बाद तो कॉपी करने का था ट्वेल्व थाउजेंड ये फोर्टी फाइव थाउजेंड या फिफ्टीन थाउजेंड नहीं है वो साल के तीन ट्रिप मारता है उसके बाद फोर्टी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद सेवेंटी फोर थाउजेंड उसके बाद फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड ये वाला चीज तो पेंडिंग ही रखना पड़ेगा ठीक है और ये सब कुछ अपने को पेंडिंग ही रखना पड़ेगा तो इसके बाद तुम्हारा इक्वेशन जो है कुछ ऐसा बनेगा नाइनटीन लाख फिफ्टी एट थाउजेंड प्लस ये छह वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना था 3 वन थाउजेंड प्लस पॉइंट जीरो फाइव एक्स प्लस सेमी वेरिएबल 90,000 थाउजेंड प्लस पॉइंट टू एक्स ठीक है तो एक्स इज दिस तो यहाँ पे थर्टी वन लाख थर्टी टू थाउजेंड दाल देना उसका ट्वेंटी परसेंट मार लेना थर्टी वन लाख थर्टी टू थाउजेंड इंटू पॉइंट टू ये आ जाता है सिक्स टू सिक्स फोर ज़ीरो ज़ीरो ठीक है ये आ जाता है टू फाइव ज़ीरो फाइव सिक्स ज़ीरो ज़ीरो थर्टी वन लाख थर्टी टू थाउजेंड इंटू फाइव परसेंट वन फिफ्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड थ्री लाखेंड फोर फिफ्टी सेवन सिक्स हंड्रेड ये हो गया ना सबका मेरे ख्याल से ठीक है सुनो अभी लेकिन अपने को ये चीज नहीं चाहिए था बेटा दिस रेवेन्यू इज टू बी कलेक्टेड ओवर द एंटायर ईयर ओवर एवरीबडी ठीक है अभी आपको देखना पड़ेगा सर इन दिस पर्टिकुलर केस आगे क्या अपने को करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर जो करना है देखो यहां पे द रेंट ऑफ द कॉटेज वॉर्ड बेड is ज टू बी फिक्स एट टू एंड हाफ टाइम एट ऑफ जनरल बोर्ड एंड डीलेक्स वार्ड बेड ये ध्यान से करना, is fixed at twice of cottage ward bed ठीक है तो ऑब्वियसली सबसे कम जो रेंट है वो जनरल बार्ड का है उसको एक्स ले, ले लेते हैं फिर उसके बाद की बात उसके बाद कर लेते हैं ठीक है तो यहां पे लिख के रखो लेट द चार्जेस वो जी के बारे में एंड के अंदर बात करेंगे पर बेड डे फोर जनरल वार्ड बी जनरल वार्ड को रुपीज एक्स ले लेते हैं तो एक मिनट फिर उसके बाद मेरे को जरा बोलो तो कॉटेज वार्ड का कितना हो जाएगा बेटा 2.5x पॉइंट फाइव ना Two point तो यहां पे कॉटेज वार्ड जीएसटी के बारे में अपने को बात करना बाकी है वो एंड के अंदर बात करेंगे ठीक है आगे उसके बाद विल बी ट्वाइस ऑफ कॉटेज तो डी लेक्स सबसे महंगा है डीलेक्स वर्ड बी फाइव एक्स अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोग को बोलता हूं इसके बाद लिखो टोटल रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड थर्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड सर पहले एक्स वापस से लिए चलता है ठीक हाँ है यू ऑल कैन चलो सुनो तो टोटल तो रेवेन्यू टू तो भी कलेक्टेड थर्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड अभी अपना पोपट मत करो ना मेरे को बोलो क्या मैं ऐसा इक्वेशन बनाऊं एक्स प्लस टू पॉइंट फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स इक्वल टू थर्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड दिस इज एक्स पर बेड पर डे दिस इज टोटल कलेक्शन ऑब्वियसली एक्स पर बेड पर डे को टोटल बनाने के लिए विल हैल्टीप्लाई नंबर ऑफ बेड टू बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज लेकिन तभी अपने को पैसा आएगा जब रूम ऑक्युपाई होगा तो इन टू परसेंटेज ऑक्यूपेंसी वो तीनों चीजें ऑलरेडी कंसिडर्ड है इन बेड डेज तो अभी इक्वेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए तुम लोग मेरे को एक स्टार्टअप दो ना एंड देन आई विल कंटिन्यू मेरे को एक स्टार्ट दो ना बस ठीक है four four बस ठीक है तो दिस इज थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड एक्स इतना कलेक्शन अपने को मिल जाएगा जनरल वार्ड से फिर उसके बाद फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव एक्स प्लस सिक्स फोर एट जीरो इंटू फाइव एक्स दिस इज इक्वल टू थर्टी वन लैख थर्टी टू थाउजेंड जैसे ये वाला काम होएगा तुम लोग सॉल्व जरा करो ट्वेंटी नाइन चलेगा चलेगा जस्ट गेट द फर्स्ट आंसर यू कैन राइट डाउन द अदर आंसर ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट थ्री में ले रहा हूं एट टू एट आता है ये सॉल्व कर लो चलो सुनो अभी तक ना मैंने वो एट परसेंट जो जीएसटी था ना उसके बारे में बात नहीं किया जीएसटी क्या होता है इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स तो जितना भी तुम लोग रेंट कस्टमरों को चार्ज करोगे आठ परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज करना और गवर्नमेंट को दे देना वंस योर एंटायर सम इज डन उसके बाद जीएसटी के बारे में बात कर लेंगे तो लिखो चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी जनरल वार्ड कॉटेज वार्ड डीलेक्स वार्ड तो जितना भी ऊपर अमाउंट आया प्लस एट परसेंट करके लिखते रहना थर्टी टू पॉइंट टू टू कर देना चलेगा वैसे ही बाकी दोनों का भी कर देना एटी पॉइंट ठीक है ठीक है वो बाकी वो करेक्ट ही ठीक है चलो योर दिस वर्क इज डन ओके हॉस्पिटल का एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो हो चुका है लेकिन अभी इस बेसिक क्वेश्चन के बाद एक सेकेंड ये हिल गया एक सेकेंड जरा हाँ जस्ट नीड टू बी रीडिंग फाइन इन प्रॉब्लम्स ऑफ हॉस्पिटल सेक्टर If rates have to be found out, then please find number of bed days first for all possible categories. Just hotel wale question. Ke liye bhi tha. In such questions, if you think cost depends upon number of patients or number of patient days like medicine, then laundry charges, extra bed hire charges, food service, ya doctor fees if paid on per patient, take it as a variable cost. So, अभी यहां पर अगर तुम लोगों ने किधर भी कुछ अजम्पन वगैरह वो डाला था अब अप, अपना बीच में कुछ बात हुआ था वो फीस पेड वगैरह ओके सो वी ऑल हैड टेकन दैट थिंग एज अ वेरिएबल कॉस्ट ओके वो किधर था बेटा हाँ तो विल जस्ट राइट डाउन दैट आई थिंक दैट विल बी बेटर ओके दैट वॉज अ ओनली काइंड ऑफ अ डिस्प्यूटेड थिंग तो एक चीज वो लिख के रखना नोट लिखो फीस पेड टू हार्ट स्पेशलिस्ट हैज बीन टेकन एज अ वेरिएबल कॉस्ट fee paid to heart specialist has been taken as a variable cost fee paid to heart specialist has been taken as a variable cost bus बेटर टुवर्ड्स द एंड बट दैट्स ओके इतना कोई वो चेक नहीं करता है ठीक है चलो सो दिस वर्क इज डन आगे चल पड़ते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ठीक है हॉस्पिटल्स का माइट बी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ठीक है अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे ऑक्यूपेंसी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ एकदम अजीब क्वेश्चन है अ हॉस्पिटल ऑपरेट्स फोर्टी बेड कैपेसिटी स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट द सेट डिपार्टमेंट लेब अ चार्ज ऑफ फोर ट्वेंटी फाइव पर बेड डे फ्रॉम द पेशेंट यूजिंग इथ सर्विसेस तो इन लोगों ने दे के रखा हुआ है वो लोग अपने जो पेशेंट्स हैं उनको कितना रुपीस चार्ज कर लेते हैं 425 पर बेड अच्छा वैसे तुम लोगों को एक चीज वो बोलता जनरल नॉलेज हर हॉस्पिटल के अंदर ना वो इस क्वेश्चन के ना काम ही नहीं आएगा बट जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज इन फाइनल से मेरे को वो बहुत काम आता है uh, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर यूजली देर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स वन ऑफ देम आर इन पेशेंट्स आई एन पेशेंट्स वन ऑफ देम आर आउट पेशेंट ओके इन पेशेंट्स क्या होते हैं आउट पेशेंट्स क्या होते हैं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल में आएंगे बेड्स वगैरह ऑक्युपाई करेंगे एक्सेट्रा तो तुम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना इन पेशेंट्स के लिए कर रहे हो आई एन आई एन ठीक है फिर आउट पेशेंट्स वो कौन से होते हैं सम पीपल स्टार्ट टू बी इमेजिनिंग दिस जिन लोगों को ये वाला चीज नहीं मान सर इन पेशेंट्स मतलब जो अंदर जा रहे हैं आउट पेशेंट मतलब जो बाहर आ रहे हैं ऐसा कैसे होएगा बेटा जो अंदर जाएगा कभी ना कभी तो बाहर आएगा ओके आउट पेशेंट्स वो नहीं होते आउट पेशेंट्स आर दोस्त जो सिर्फ कंसल्टेशन लेंगे और वापस आ जाएंगे वो लोग भर्ती नहीं होंगे हॉस्पिटल के अंदर तुमको फर्क समझ में आया सो देर आर इन पेशेंट्स देर आर आउट पेशेंट्स इन रियल लाइफ ठीक है तो अगर सपोज कोई क्लिनिक का क्वेश्चन आया क्लिनिक का क्लिनिक का ओके जहां पे बस डॉक्टर पेशेंट्स को देख लेता है दवाई देके बोलता है चलो निकलो ओके तो वहां पे ऑल पेशेंट्स विल बी विच पेशेंट्स वो आउट पेशेंट्स होंगे और हॉस्पिटल्स के अंदर तो ऑनेस्टली देर कुड बी बोथ द टाइप ऑफ पेशेंट्स लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहां द पेशेंट्स विल बी ऑफ मेनी कैटेगरीज ठीक है चलिए आगे The data relating to fees collected and the cost for the year 2022 are as under. Hai. Fees collected during the year 34, 95, 625. And obviously, we are collecting the fees at what rate are? 425 per bed day. Variable cost based on patient days. Chalo, hai. Departmental fixed cost. Apportioned cost of hospital administration. So, it will mean the administration cost only.

सैलरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ विल इंक्रीज टू फिफ्टी फोर थाउजेंड पर एन एम पर नर्स चलो ठीक है तो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के अंदर यह सारे के सारे कॉस्ट जो है ऐसे बढ़ जाएंगे दी ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड कैपैसिटी इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड मैनेजमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू क्लोज डाउन द डिपार्टमेंट इन दैट केस इवन डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट कैन बी डिडेड तो कैन बी अवॉइडेड देखो वो लोग क्या बोलते हैं 2023 के अंदर ना अपना ओवरहेड्स अपना कॉस्ट अदर देन दोर्शन ओवरेज टेन परसेंट से बढ़ जाएगा अपोर्शन ओवरहेड्स ढाई लाख से बढ़ जाएगा यह वाला कॉस्ट फिफ्टी फोर थाउजेंड हो जाएगा कॉस्ट बढ़ रहा है ना यार अगर कॉस्ट बढ़ रहा है बोलो क्या बोलते हैं ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ सकता टू थाउजेंड तो जितने पेशेंट डेज पिछले साल थे ना उतने पेशेंट डेज अभी भी रहेंगे तो वो चीज नहीं बढ़ सकता है ठीक है तो शायद ऐसा हो कि ना लॉस होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ सकता ओके तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही रहेगा तो कंपनी सोच, रहे, सोच रहा है बंद कर देंगे ठीक है ऐसा कंपनी सोच रहा है रिक्वायर्ड प्रेजेंट स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर टू एंड टू एंड कैलकुलेट फॉर 2023 break even bed ब्रेक इवन बेड ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है बाद में देख लेंगे That's okay. ये है. है? है? लेकिन क्या है? आप क्या आप को ना ना पे के पूछा अभी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ना हमें एक ही काम करेगा सेल्स माइनस कॉस्ट ठीक है और कॉस्ट के अंदर ऑनेस्टली एक ही कॉस्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने को अलग से दिया हुआ है बाकी ये जो भी कॉस्ट होंगे ना ये डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है फिर नर्सिस का ये सैलरी है फिर ये एडमिन चार्ज है ऑल ऑफ बी होनी यार ठीक है तो एक काम जरा करो टाइटल के तौर पर यही वाला चीज लिखो स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर टू एंड ट्वेंटी डिपार्टमेंट कर रहा स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर 2022 एंड ट्वेंटी पर्टिकुलर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अच्छा मैं ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग स्टाइल के अंदर कर रहा हूं यहां पे लिखना फीस पर बेड डे 2022 मैं खत्म करूंगा 2023 आप खत्म करोगे 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू इज माई वर्क ट्वेंटी थ्री इज योर वर्क अच्छा फीस पर बेड डे मेरे को बोलो पेशेंट लोगों से हम लोग कितना रुपीज चार्ज कर रहे हैं पर बेड डे फोर फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है तो वन बेड वन डे वी आर चार्जिंग फोर ट्वेंटी फाइव तो यहां पर फोर ट्वेंटी फाइव अच्छा एक लाइन वो छोड़ दो लेस वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे बेड डे बोले तो पेशेंट डे होनी यहां पे भी एक लाइन वो छोड़ देना अच्छा फ्यूचर के अंदर दिस टर्म विल बिकम वेरी कॉमन टू यू ऑल अभी के लिए आई एम जस्ट इनफोर्सिंग इट ऑन यू ऑल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू अ टर्म इन कॉस्टिंग कॉल्ड एस कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है वो टर्म नहीं भी मालूम क्वेश्चन अपना सॉल्व हो ही जाएगा बट जस्ट दैट आई यू ऑल टू बी गेटिंग चैप्टर आएगा ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, वो सारा का सारा वही फंडास के ऊपर है ठीक है बट योर कॉन्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन इज वेरी सिंपल दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो यहां पर ऐसे लिख लेना दिस विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर बेडे इन टू नंबर ऑफ बेड डेज वेर एवर आई एम लीविंग अ लाइन प्लीज यू ऑल लीव अ लाइन दिस विल गिव यू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को बोलो कंट्रीब्यूशन तक पहुंचते पहुंचते कौन सा कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया वेरिएबल तो अभी कौन सा कॉस्ट बाकी है सब्ट्रैक्ट करना फिक्स्ड कॉस्ट तो सामने अपने को जब बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचो कॉन्ट्रीब्यूशन तो के अंदर से फिक्स कॉस्ट सब ट्रैक करके प्रॉफिट तक पहुंच जाएगा तो कॉस्ट अदर देन अपोर्शन ओवर विल गो अप बाय अपन नहीं नहीं ये तो 2023 का है, ये मारो गोली ये तो तुमको सॉल्व करने का है सॉरी मैं यही वाला का, काम कर रहा हूं तो तीन कॉस्ट हैं डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट एक एक लाइन ना छोड़ते रहना हर कॉस्ट के बाद सिक्स ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड उसके बाद अपोर्श हॉस्पिटल एडमिन चार्ज वो ही लिख देता हूं तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फिर उसके बाद नर्सेस फोर लैख थर्टी टू सुनो इस डब्बे के अंदर एक और चीज है जो मैंने कंसिडर नहीं किया मैंने उसको सर्कल भी मार दिया है ठीक है तुम लोग ये वाला चीज सोचो और कुछ और डेटा भी सोचो यहां पे नंबर ऑफ बेड डेज ना वैसे नहीं आएगा क्योंकि क्या है वैसे बेड डेज जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आया था उसके लिए आपको नंबर ऑफ बेड्स चाहिए बोलते ना नंबर ऑफ बेड्स नंबर ऑफ डेज चाहिए सर वी कैन अज्यूम थ्री सिक्सटी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी चाहिए वो किधर है वो क्या अज्यूम करेगा तो शायद वैसे आंसर ही नहीं आएगा कैसे और आंसर आ जाएगा तुम लोग सोचो मेरे को नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकाल के दो ना या नंबर ऑफ बेड डेज आगोश करें हम एट डबल टू फाइव एट डबल टू फाइव देखो A, double, two, हम लोगों ने इतना कलेक्शन किया था ठीक हम लोगों ने इतना कलेक्शन किया रहेगा बेस्ड अपॉन पेशेंट डेज होनी या बेड डेज होनी एंड वी कलेक्ट एट द रेट ऑफ 425 तो डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा तो ये जो यहां पर आएगा ना वो 8225 आएगा इधर लिख देना 8225 और उसका कैलकुलेशन मैं नीचे लिख देता हूं 3495625 डिवाइडेड बाय 425 ठीक है सुनो अच्छा एक और चीज देखो अब ना यहां पर क्लियरली लिखा भी हुआ है बराबर से देखना जरा प्लीज वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन पेशेंट डेज थर्टीन फिफ्टी सेवन ट्वेंटी फाइव लेकिन अब मेरे को इधर पर बेड डे चाहिए मैंने फॉर्मेट वो वैसा ही बनाया है तो यहां पे थर्टीन फिफ्टी सेवन थर्टीन फिफ्टी सेवन वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय दिस वॉज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे को बोलो फॉर हाउ मेनी पेशेंट डेज फॉर हाउ मेनी पेशेंट एज एट डबल टू फाइव ना फोर ट्वेंटी फाइव तो फीस है बेटा थर्टीन फिफ्टी सेवन वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट टू टू फाइवी फाइव ये टू सिक्सटी आ जाता है इंटू एट टू टू फाइव ट्वेंटी वन लैख थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेरी बात सुनो देखो तुम्हारा ये वाला जो काम है हो गया मेरे ख्याल से यहां पे तुम लोगों को कोई डाउट वगैरह तो नहीं आ रहेगा नाउ हैव गॉट टू पार्ट्स फॉर यू पेंसिल के अंदर करोगे तो भी चलेगा इफ यू आर श्योर तुम लोग जो भी करते हो करेक्ट ही करते हो फिर पेन के अंदर करो तो भी चलेगा सुनो दो हजार तेईस के अंदर जो भी चेंजेस है ना वो इधर लिखे हुए हैं ठीक है ठीके? उन लोगों ने क्या बोला बराबर से सुनना सर आप प्लीज प्रेजेंट स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ऑब्वियसली प्रॉफिटिलिटी तभी दिखाएगा जब डिपार्टमेंट्स कंटिन्यू होंगे ठीक है तो आप लोग ये सोच के 2023 का स्टेटमेंट बनाना कि हम लोग डिपार्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ना बहुत लोग क्या करते हैं यह वाला लाइन 50 बार वो पढ़ डालते हैं सर वहां पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट विल बी अवॉइडेड बेटा ये लिखा है कि अगर कैन यू कंटिन्यू अगर बंद किया तो अवॉइड होएगा लेकिन हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी तब थोड़ी निकाल रहे हैं जब बंद होएगा हम लोग तब निकाल रहे हैं जब डिपार्टमेंट कंटिन्यू होगा ठीक है तो आप लोग ये वाला रेड बॉक्स जो मैंने बनाया उसके अंदर से डेटा देख देख के आप लोग ये वाला चीज कंप्यूट करना नाइनटी प्लस पॉइंट भी यहां पर लॉस ही आना चाहिए क्योंकि इसीलिए वो लोग सोच रहा था कि यार डिपार्टमेंट हम लोग बंद कर देंगे ठीक है अभी जब ये हो जाएगा ना ध्यान से सुनना मैंने जानबूझ के फॉर्मेट ऐसा बनाया ताकि तुम लोग पार्ट टू मेरे लिए कंप्यूट कर सको और ये रफ के अंदर ही करना कैलकुलेट फॉर 2023 थाउजेंड ब्रेक इवन बेड कैपेसिटी को तो तो सर ब्रेक इवन बेड कैपेसिटी क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल एट विच प्रॉफिट इज गोइंग टू बी जीरो दैट इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कितने पेशेंट डेज इधर आए कि तुम्हारा एंड के अंदर प्रॉफिट कितने का हो जीरो हो दैट विल बी नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट तो वो तुम लोग रफ के अंदर ट्राई करना कुछ लिखना मत आई विल टेक केयर वो इक्वेशन बनाकर ही काम करने का है सो इफ यू आर श्योर दैर वॉट एवर बी डूइंग इज करेक्ट दैट्स ऑल फाइन ओके बट इफ यू आर नॉट श्योर मे को आंसर वो बता देना इन एंड आई विल टेक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन तो आपके पास दो काम है वो करने के लिए वन इज यहां पे लॉस निकालो वो लॉस ही आना चाहिए दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालो क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू आराम से ध्यान ध्यान से पढ़ना एवरीथिंग इज गिवन दैट यू ऑल वांट ओके मैं तुमको एट मिनट्स दे रहा हूं नहीं मैं तुमको सेवन मिनट्स दे रहा हूं स्टार्ट करूं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि सब लोगों ने मेरे ख्याल से मेरे को अमाउंट्स अलग अलग ही बताए हैं आई थिंक ये वाला फिगर फोर ट्वेंटी फाइव ही रहेगा ठीक है फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट टेन परसेंट से बढ़ेगा एक मिनट मैं पहले ये कर लेता हूँ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ना से बढ़ जाएगा ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देना टेन लाख प्लस टू पॉइंट फाइव ठीक है फिर उसके बाद नर्सेज जो है फिफ्टी फोर थाउजेंड हो जाएगा है so, सुनो उन लोगों ने ना ये दोनों कॉस्ट के बारे में पॉइंट नंबर टू और थ्री बोला इसके अलावा जो भी कॉस्ट है टेन परसेंट से बढ़ जाएंगी तो बेटा इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी तक दो कॉस्ट अपना बाकी है कौन सा दो कॉस्ट बेटा एक वेरिएबल कॉस्ट और एक डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों टेन परसेंट जो आ, से जो है वो बढ़ जाएगा सो सिक्स ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस टेन परसेंट सिक्स एटी फोर सेवन फिफ्टी तो यहां पे सिक्स ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस टेन परसेंट ठीक है और ये वन सिक्सटी फाइव था ना ये टेन परसेंट से बढ़ जाएगा वन सिक्सटी फाइव प्लस टेन परसेंट यह आ जाएगा वन एटी वन पॉइंट फाइव फोर ट्वेंटी फाइव दिस इज टू फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव ये वाला फिगर तो सामने भी बोला है कि ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ने वाला है इन टू एट टू टू फाइव ये वाला फिगर आ जाएगा टू डबल जीरो टू सेवन एट एट लेता हूं सेवन एट एट लॉस कितना आता है बेटा अगर फोर लैख सेवन जीरो क्या के वन सेवन फोर वन सेवन एक मिनट रोको सिक्स एटी फोर सेवन फिफ्टी प्लस ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस फोर लाख एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर वन फोर वन सेवन सिक्स टू पॉइंट फाइव ना फोर वन सेवन सिक्स नाइन सिक्स हाँ चलो 26 13 देना पॉइंट 5 बेटा ये 8 लिखा है तो इसके लिए अभी ये मेरे को 2 ही करना पड़ेगा ना वरना वो टैली नहीं होएगा ठीक है सुनो अ ये वाला काम तुम्हारा हो गया ठीक है उसके बाद पार्ट बी तो यहां पे लिखना ये पार्ट ए था ना पार्ट 1 था ये पार्ट 2 लिखो ब्रेक इवन पॉइंट एक बार ना उसका मतलब लिख लेना ऑल दो बाय एंड ऑफ योर कोर्स ये तो तुम लोग को पता चली जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यू ऑल कैन राइट डाउन द मीनिंग लिखो डैश राइट डाउन, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जरा लिखो इज दैट लेवल ऑफ बेड डेज, ब्रैकेट में लिख लेना एक्स एट विच प्रॉफिट इज जीरो मोस्टली वो होएगा। सुनो ये जो है ये तो 243.5 ही रहेगा बेटा नंबर ऑफ बेड डेज एक्स हो गए ठीक है माइनस सिक्स एटी फोर सेवन फिफ्टी माइनस ट्वेल्व फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर लैक एटी सिक्स आओ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो कर लो सॉल्व कर लो एक्स का आंसर ले आओ हाँ वही होना चाहिए एक मिनट बस चेक कर लेता हूं उसको डेसिमल्स के अंदर भी रहने दोगे दैट इज ऑल फाइन जब ये मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे यू विल कम टू नो द अदर सो दैट्स फाइन इसको ऐसे भी रख दोगे तो भी चलेगा राउंड ऑफ करने का है तो भी चलेगा नाइन वाइन फोर टू करने का है तो भी चलेगा नाइन नाइन फोर वन भी कर सकते हो लेकिन वो ऐसे ही वो लिखो ना इन दैट चैप्टर आई टेल यू द अदर थिंग्स क्योंकि तब हम लोग पचास क्वेश्चन वो करने वाले हैं और ब्रेक इवन पॉइंट होगी तो इसके लिए तब ये वाले डाउट्स नहीं आएंगे चलो सुनो ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है यह हो गया ब्रेक इवन क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी सोल्व आफ्टर सीवीपी चैप्टर यूज अ मेथड लर्न अंडर आंसर विल कम आउट फास्टर तो वहां पर आई ट्राई टू टीच यू मेनी अदर वेड आउट ब्रेक इवन पॉइंट अभी तो वी हैर्न समर वेज उससे भी करोगे तो भी आंसर वही रहेगा For break-even point, it is necessary to divide all costs into fixed and variable. In such questions, you can't interchange fixed and variable cost; answer will change. This also you will come to know once you do that particular chapter. So that time all these things will become quite simple for you. Okay, Ah, ye मैंने इसके बाद हॉस्पिटल का एक क्वेश्चन रखा हुआ है सो टू साइड्स यू ऑल कैन लीव फॉर दैट बैंक का एक क्वेश्चन रखा आई थिंक उसके लिए वन साइड शुड बी इनफ वो छोटा सा क्वेश्चन है सो वन साइड यू ऑल कैन लीव तो थ्री साइड्स यू ऑल कैन बी लीविंग अच्छा सुनो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कर लेते हैं पक्की बात है अपना लास्ट क्वेश्चन इव यू ऑल कैन ट्राई टू बी कंप्लीटिंग दिस ठीक है सुनो पढ़ो क्लब रंस अ लाइब्रेरी फॉर इट्स मेंबर्स चलो ठीक है एज अ पार्ट ऑफ क्लब पॉलिसी एन्युअल सब्सिडी ऑफ रूपीज फाइव पर मेम्बर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ द बुक्स में बी गिवन फ्रॉम जनरल फंड ऑफ द क्लब इसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद डिटेल के अंदर शायद करूंगा द मैनेजमेंट ऑफ द क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ठीक है तो कोई एक क्लब है क्लब के नर बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह वो होती होंगी वन ऑफ द एक्टिविटीज और वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज अ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ठीक है तो वो लोग आगे क्या डिटेल देता है नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स पांच हजार है लेकिन नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स हजार ही हैं शायद ये हजार क्लब मेंबर्स के अंदर से होगा नॉट एवरीबडी विल लाइक टू बिकम पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी ओके सुदेव फोर तो थाउजेंड लाइब्रेरी मेंबर्स ही हैं लाइब्रेरी फीस पर मेंबर पर मंथ हंड्रेड तो एक मेंबर से अगर उसने लाइब्रेरी ज्वाइन किया एक महीने के लिए सौ रुपया दिया जाता है फाइन फॉर रिटर्न ऑफ बुक्स इट वन पर पर बुक डे तो अगर बुक लेट रिटर्न की तो एक रुपए का फाइन है पर डे एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रिटर्न लेट पर मंथ तो हर महीने इतनी बुक्स लेट रिटर्न होती है एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सॉरी एवरेज नंबर ऑफ डेज इच बुक इज रिटर्न लेट इज फाइव तो ऑन एन एवरेज हर बुक पांच दिन लेट जॉइन लेट अपने को रिटर्न होती है नंबर ऑफ ओल्ड बुक्स फिफ्टी थाउजेंड बुक्स चलो ठीक है कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स थ्री हंड्रेड पर बुक नंबर ऑफ बुक्स परचेज पर ईयर ट्वेल्व हंड्रेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ओल्ड बुक पर ईयर दैट इज टेन आगे स्टाफ डिटेल्स स्टाफ डिटेल्स लाइब्रेरियन एक है उसको सैलरी टेन थाउजेंड पर मंथ है असिस्टेंट लाइब्रेरियन तीन है उनको सैलरी सेवन थाउजेंड पर मंथ है क्लर्क एक है एंड uh, जो सैलरी है वो फोर थाउजेंड है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पार्ट बहुत ज्यादा है द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स चलो ठीक है तो लोग क्या बोलता है कि लाइब्रेरी का एक साल का खर्चा कितना है ठीक है लेकिन उसके न्यू बुक्स का कॉस्ट इंक्लूड मत करना द कॉस्ट दॉकड पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स चलो ठीक है तो आपको अभी पार्ट टू के ना कॉस्ट पर मेंबर पर मंथ चाहिए नेट इनकम मतलब प्रॉफिट ऑफ द लाइब्रेरी ओके पर ईयर आगे इफ द क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल द न्यू बुक्स मस्ट बी परचेज आउट ऑफ लाइब्रेरी का रेवेन्यू देन What is the max number of books that can be purchased per year? How many excess books are purchased by the library per year? Comment about the subsidy policy of the library. चलो ठीक, सुन। तुम लोग क्या करो आ, तुम लोग मेरे लिए ना इतना जरा करना ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो भूल जाना ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ चलो मैं हाइड कर देता हूँ तुम लोग अपने मन के अंदर कंप्यूट करना मन के अंदर कंप्यूट करना कि लाइब्रेरी को रेवेन्यू किन सोर्सेस से आता है यू हैव टू काउंट कि कितनी कितनी जगह से आता है वो तुम लोग तुम्हारे मन में काउंट करना तो मेरे को नहीं बोलना और लाइब्रेरी के खर्चे क्या क्या हैं ठीक है काउंट करो कि कितने 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 खर्चे हैं जैसे ये एक खर्चा ये दूसरा ये तीसरा और जो भी खर्चे हैं वो काउंट करो मेरे को बोलना कितने रेवेन्यूज हैं और कितने यहां पर खर्चे हैं चलो पढ़ दिया तुमने फर्स्ट पैराग्राफ को भूल जाना ठीक है मेरे को जरा बोलो यहां पे रेवेन्यू कितनी सोर्सेस से आता है दूर। दो दूर। एक दूर। तो यहां पर आ, पैसा मिलेगा जो मेंबरशिप फीस है दूसरा एक और क्या है बेटा लेट फीस तो हा तो याद रखना ये अपने लिए इनकम है ये इनकम है ये सर फाइन तो एक्सपेंस होता है बेटा फाइन अपने को मिलता है ठीक है फाइन अपने को मिल रहा है ठीक है तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर दैट लाइब्रेरी इन द क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अपने को तो फाइन मिल रहा है तो दे आर टू सोर्सेज फॉर इनकम ठीक है और मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस के अंदर चार हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट तीन तो यही हो गए ठीक है नहीं पांच है मेरे ख्याल से पांच है, पांच है पांच है तो तीन तो ये हो गए और बाकी दो क्या है बेटा

नाओ इन दिस केस नो क्लब के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती होंगी बीच में एक एक्टिविटी जो है ओके okay, वो लाइब्रेरी भी है ठीक है सो दे फोर दिस इज द क्लब दिस इज द लाइब्रेरी ठीक है क्लब के कितने लोग हैं बेटा फाइव थाउजेंड लेकिन लाइब्रेरी के मेंबर्स कितने हैं थाउजेंड ठीक है 1, 000, अभी जरा सोचो शायद लाइब्रेरी चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना यार मानता हूं कि लाइब्रेरी मेंबर्स से पैसा कलेक्ट करती है आई अंडरस्टैंड दैट आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड कि लाइब्रेरी फाइन भी चार्ज करती है लेकिन शायद ये चीजों से उसका खर्चा ना निकलता हो तो क्लब का एक पॉलिसी है जो उन लोगों ने फर्स्ट लाइन के ऊपर दिया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ क्लब पॉलिसी एनुअल सब्सिडी ऑफ rupees फाइव पर member, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द बुक्स मे बी गिवन फ्रॉम जनरल फंड ऑफ द क्लब ओके okay, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना क्लब लाइब्रेरी को और पैसा देता है ताकि लाइब्रेरी चल सके इन इन नॉर्मल भी जैसे गवर्नमेंट वो सब्सिडी देता है ओके okay, तो क्लब सब्सिडी देता है टू द लाइब्रेरी एंड इट इज फाइव पर मेंबर अभी आईसी की सबसे बड़ी गलती ना ओके okay, उनको मेरे को लिखकर देना चाहिए इट इज फाइव पर विच मेंबर इट इज फाइव पर क्लब मेंबर के फाइव पर लाइब्रेरी तुमको समझा जो मैं बोला दे शुड हैव गिवेन मी दैट डैम थिंग ओके अभी ये वाला क्वेश्चन ना पहले ओल्ड मॉड्यूल्स के अंदर था फिर इन लोग को एक बार मैंने बोहोत वो सॉलिड मिल लिखा उन लोगों ने न्यू मॉड्यूल्स के अंदर वो क्वेश्चन ही फिर वो निकाल डाला आई टोल देस्ट यू शुड राइट नो दैट इट इज विच पर मेम्बर ओके एंड इट कैन बी एनी थिंग अपने को थोड़ी पता चलेगा यार ओके क्योंकि क्या है इफ इट इज फाइव थाउजेंड सॉरी इफ इट इज रूपीज फाइव पर क्लब मेंबर मतलब क्लब लाइब्रेरी को पच्चीस हजार रुपए का सब्सिडी देता है सबको पच्चीस हजार रुपए था लाइब्रेरी में इट विल बी रूपीज फाइव थाउजेंड मेरे को बता तो दो यार इट इज वॉट अभी मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं क्योंकि क्या है कि ना जो आपका पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन है ना वो सारा का सारा ये सब्सिडी के बारे में ही है यार ओके okay. ये यहां पर जो है ना कमेंट अबाउट द सब्सिडी पॉलिसी तो मेरे को बता तो दो वो क्या है ओके okay. तो इन चीफ ने दोनों बार क्वेश्चन सॉल्व किया बट इट बिकम्स वेरी स्टूपेड यू ऑल कैन ट्राई टू टेल अस ओके सो आई एम अज्यूमिंग वन थिंग एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट आई अज्यूम दैट दे गिव अ सब्सिडी ऑफ रुपीज फाइव पर लाइब्रेरी मेंबर एंड आई ट्राई टू अप्लाई माई कॉमन सेंस बिकॉज हैव नॉट गिवन टू मी वट इज टू बी डन क्योंकि अगर जो सब्सिडी है ट इज गिवन टू द लाइब्रेरी तो मेरे ख्याल से हर लाइब्रेरी मेंबर के ऊपर ही वो देंगे करेक्ट okay? फैक्ट okay, okay? और अगर तुम्हारे पास करेक्ट फैक्ट फैक्ट नहीं फैक्ट होता ओके okay? तो देन इन दैट पर्टिकुलर किस अजम्पन तो मारते ही नहीं तुमको ऐसा भारी भरका वर्ड मेरा समझा yes, हाँ yes, तो तुमको जब तुम्हारा बुक भी मिलेगा ना शुरू में एक प्रीफेस है ओके वो प्रीफेस एक्चुअली वो मैं लिखता हूं लेकिन मेरे अलावा वो कोई पढ़ता नहीं है वहां पर ना एक रूल मैंने वो लिखा हुआ है इन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बट मोर एप्लीकेबल फॉर कॉस्टिंग अजम्पन शुड बी मेड वेन सम इज नॉट क्लियर आई एव टोल्ड यू इन पास्ट ऑल्सो नॉट वेन यू आर नॉट क्लियर आई थिंक सो दैट सम इज नॉट क्लियर अपने को अजम्पन वो माना पड़ेगा आई एम अज्यूमिंग दैट सब्सिडी इज गिवन पर लाइब्रेरी मेंबर ओके यू ऑल राइट ऑन दिस एंड देन वी ऑल विल कंटिन्यू लिखो देखो नोट इट इज अज्यूम्ड दैट सब्सिडी इज गिवन पर लाइब्रेरी मेंबर अच्छा सुनो ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैं उतना ही कर रहा हूं दैट आई वांट यू ऑल टू ट्राई एट होम ठीक है मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं मैं कल पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा लेकिन मेनी थिंग्स दैट आई कैन ट्राई टू टेल यू ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू पार्ट वन ये हेडिंग जरा दो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर लिखो पार्ट वन जस्ट लेबल ऑल द पार्ट इन अ प्रॉपर वे क्योंकि क्वेश्चन के ना बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं लिखो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी परियर लेकिन उन लोगों ने आगे लिख दिया एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स तो बेटा यहां पर इन ऑल चार कॉस्ट ही होगा लाइब्रेरियन सुनो असिस्टेंट लाइब्रेरियन असिस्टेंट वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने का इन एग्जाम्स कोई पेपर फाड़ेगा तुम्हारा ओके इतना लिख के शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो चलेगा एक्सट्रीम शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने का कई लोग जब भी अजम्पन्स भी लिखना हो ना अजम्पन वर्ड दे आर ब्लडी सो लेजी वो लोग ऐसा ही लिखता है अजम्पन ओके बस ऐसा ऐसा नहीं लिखते ओके आ, एक लाइब्रेरियन एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक क्लर्क और एक मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड बुक्स तुम लोग सब चीजों का कैलकुलेशन घर पे ट्राई करना सेकंड। लिखो कॉस्ट क्या लिखा है पर मेंबर पर मंथ अच्छा देखो फिर से पढ़ता हूं द कॉस्ट इनकट पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स देखो दिस विल गिव यू कॉस्ट पर ईयर ऑफ द लाइब्रेरी उनको ना क्या चाहिए कॉस्ट पर मंथ पर मेंबर तो चलो ठीक है तो दिस इज कॉस्ट ऑफ वन ईयर ये वाला नंबर तुम लोग इधर बाद में कॉपी करोगे डिवाइडेड बाई उनको पर मंथ चाहिए ना सो डिवाइड बाई नंबर ऑफ मंथ दैट विल बी ट्वेल्व दिस विल बी कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी पर मंथ लेकिन उनको पर मेबर भी चाहिए सो ऑब्वियसली आई एम थिंकिंग मेंबर मतलब तो लाइब्रेरी मेंबर्स सो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स मेरे को जरा बोलो नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स तो कितने हैं उज थाउजेंड थाउजेंड तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक है आगे थर्ड द नेट इनकम ऑफ द लाइब्रेरी पर ईयर अभी मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि अगेन सम इज नॉट वेरी क्लियर ऑल दो इफ यू विल ट्राई टू इंटरप्रेट देन इट इज क्लियर नेट इनकम बोले तो प्रॉफिट ओके ऑफ द लाइब्रेरी पर ईयर मैं यहां पर भी ना एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स मतलब वो इंप्लाइड ही कर रहा हूं मतलब मैं नेट इनकम निकालते निकालते ना कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स वैसा खर्चा जो है वो नहीं इंक्लूड करूंगा ठीक है अभी क्यों नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा क्योंकि ना न्यू बुक्स के बारे में ये सारे के सारे पार्ट्स हैं ठीक है न्यू बुक्स के बारे में ये सारे के सारे पार्ट है तो इसके लिए ये वाला भी जो चीज है ना दिस मस्ट बी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स होनी क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट बस न्यू बुक्स के बारे में बात करते हैं ठीक है तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन नेट इनकम ऑफ द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स तो नेट इनकम के लिए क्या कर लेंगे रेवेन्यू लेंगे रेवेन्यू के अंदर एक तो मेंबरशिप फीस आ जाएगी और एक तुम लोगों ने मेरे को बोला था फाइन ताकि तुम लोग एरर्स ना करो यहां पे लिख देना रेवेन्यू पर एनम मैं ना ये सेव कर लेता हूं वरना मुझसे गुम हो जाएगा लेस कॉस्ट कॉस्ट तो तुम्हारा पूरे साल का तुम लोगों ने इधर कंप्यूट किया ही रहेगा टू रेवेन्यूज माइनस वन को ऑस्ट विल स्टार्ट टू गिव यू नेट इनकम बस बाकी चीजें आई विल ट्राई टू टेक केयर आई टेक दैट इन टूमोरोज लेक्चर क्योंकि क्या है कि जो सब्सिडी वगैरह है वो सब कुछ यहां पर अलग से बात है उसके बारे में ठीक है तो वो सब चीजें जो है आई ट्राई टू बी टेकट क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ना यहां पर सब्सिडी के बारे में अलग से पूछा हुआ है तो इसलिए जो भी वो सब बात है वो आगे जाके बात हो जाएगी ठीक है यू ऑल ट्राई टू बी कंप्लीटिंग पार्ट वन टू थ्री विच इज क्वाइट सिंपल ओके जो उसके बाद जो बाकी तीन पार्ट वो बच गए दैट विल ट्राई टू डू इट टूमोरो ठीक है